हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका ऐसे एसएमपी में जिसमें खेलते हैं मेरे दोस्त नितीश, अभिषेक, पीयूष और मैं। और यार ये ऐसे एसएमपी है ना, मतलब कि जिसको जो प्लेयर जहां पे भी दिखा उनके बीच में फ़ाइट होने वाली है, या तो एक मरेगा तभी जाके वो फ़ाइट रुकने वाली है, ऐसे फ़ाइट नहीं रुकेगी। और तो और अगर कोई इसमें से भाग जाता है तभी फ़ाइट रुकेगी भाई, ऐसे फ़ाइट नहीं रुकेगी। और कुछ सुनते भी नहीं, जो आमने सामने आए वो जाने वाला है इस एसएमपी में। मतलब कि यार ये सबसे ख़तरनाक एसएमपी है। और हाँ, इधर सब ने अपने अपने सीक्रेट बेस बना रखे हैं, तो मैं अभी आपको अपना सीक्रेट बेस दिखा देता हूँ, जो कि आपने देख लिया एंट्रेंस कैसी है इसकी। और यहाँ से मतलब कि यार ठीक बनाया, मतलब 2-3 दिन हुए हैं एसएमपी में हमें स्टार्ट करे हुए। और मैंने फ़िलहाल कुछ इतना ये बैकअप के लिए आर्मर रख रखा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और इधर एक और गेट है जाने के लिए, जिसमें से ये आइटम फ्रेम में अगर हम लगाते कुछ भी, अगर हम इस आइटम फ्रेम में कोई सा भी आइटम लगाते हैं तो यार ये इधर की एंट्रेंस खोल देता है नीचे वाले रूम की, जहाँ पे फ़िलहाल तो मैंने सोचा है कि मैं एक एन्चेंटिंग रूम बनाने वाला हूँ। और इधर थोड़े पोशन भी रखेंगे, क्योंकि यार आगे फाइट में पोशन तो काम आने वाले हैं। और अगर हम इस आइटम फ्रेम में से वो आइटम निकाल देते हैं तो यार वो एंट्रेंस क्लोज हो जाती है। और यार एक सेकेंड, प्यूश है चेंज देयर स्किन। मतलब कि यार ये प्यूश सर्वर में, मेरे को तो पता ही नहीं था यार प्यूश अभी सर्वर में, क्यों ना मैं सोच रहा है उससे फाइट ली जाए। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि प्यूश मेरे को ही ढूंढ रहा होगा कहीं ना कहीं। वैसे तो मैं स्पॉन एरिया से बहुत दूर हूँ, बट क्या पता भाई वो हमारे आसपास घूम रहा हो, हमें पता भी ना हो। तो यार मैं सोच रहा यार इधर एक अभी हम एम्प्टी लोकेटर मैप बना लेते हैं, जिससे मेरे को प्यूश की यार लोकेशन पता चल जाएगी कि आखिर वो सर्वर में बैठा कहाँ है, तो फिर हम उधर चल के प्यूश को छोड़ेंगे नहीं। और हाँ यार मैं एक चीज़ बता दूँ, भले ही हमें 2-3 दिन हुए इसे सर्वर बनाए हुए, और लेकिन यार भाई मेरी फाइट खुद ही इतनी हो गई है ना, मैं क्या ही बताऊँ। उसके वजह से मेरा आर्मर भी कितने जा चुका है, एक आयरन आर्मर जा चुका है, एक डायमंड आर्मर जा चुका है भाई, मतलब बहुत क्रेजी क्रेजी फाइट हुई है। फिलहाल एंटी लोकेटर मैप बनाने के लिए मेरे को थोड़े पेपर और कंपास वगैरह चाहिए, तो कंपास पहले मैं देख लेता हूँ कैसे चाहिए। यार आयरन स्मेल्ट करने पड़ेंगे अभी अभी मेरे को, बट कोई नहीं यार, कंपास बनाने के लिए 4 ही आयरन तो लगने वाले हैं, तो आयरन 4 स्मेल्ट हो चुके हैं, तो अभी कंपास बना लेते हैं। और यार अभी पेपर, हाँ शुक्र कहीं तो मेरे पर पड़ेगा, इसके पहले पेपर बना लेते हैं। और हाँ यार मेरे को यहाँ पर एकदम ऐसे रहना होगा जिससे मेरा उसको नेम टैग ना दिखे, क्योंकि यार अगर उसको मेरा नेम टैग दिखा तो उसको यार मेरे बेस के बारे में पता चल जाएगा, जो जहाँ पे मैंने इतना सारा सामान रखा हुआ है। फिलहाल यार मेरे को पीयूष की लोकेशन इधर ही पास में बता रहे हैं, लगभग इस पहाड़ के पीछे शायद होगा, तो अभी उस डायरेक्शन में चलते हैं, फिर देखते हैं यार पीयूष इधर है कि नहीं है। मतलब कि अगर यार ये इधर मिल गया तो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी यार इसको ढूंढने के लिए, बस यार कहीं ऐसा ना हो पीयूष को मेरे बेस की लोकेशन पता चल गई हो। क्योंकि अगर उसको मेरे बेस की लोकेशन पता चल गई, अगर मैं जिस टाइम यहाँ अपने बेस पे ना रहा, तो यार क्या पता वो TNT ला के पूरा बेस उड़ा जाए, जहाँ पे यार मैंने बहुत ज़्यादा सामान रख रखा है। और यार एक सेकेंड, पीयूष तो यार यहीं पे पेड़ के ऊपर, और यार इस पे आर्मर भी नहीं, आयरन आर्मर में घूम रहा, हेलमेट वगैरह डायमंड का पहन रखा है। पीयूष अब तो तू बच रहने वाला, नीचे कूद भी गया, आ जा बेटा आ जा, कहाँ भागेगा अब तू, 200 में तेरी HP इतनी लो गई होगी मेरे को पता है भाई, अब कहाँ भाग रहा है, आ जा पीयूष, आ जा ना पीयूष फाइट करना। पीयूष नूबड़े भाग कर रहा है, हाँ ना दम है तो फाइट कर, बड़ा बोलता रहता तेरे को मारूंगा तेरे को मारूंगा, एक बार तूने मेरे को मारा था ना, आज फाइट करते हैं। अब बड़े इधर हेबेल लगा लगा के घूम रहा है, अबे तू बचने नहीं वाला, कहाँ पे भाग लेगा तू यहाँ पे से। अबे पीयूष भागता कहाँ भाई, एक नंबर का भगोड़ा है तू, कितनी तेजी से भागता है भाई, फाइट करना है यार, फाइट वाली SMP है, भगने वाली SMP ढूंढना है। माना तेरे पे आर्मर नहीं है, बट यार ये SMP ऐसी है फाइट करनी होती यार, हमें भूल गया क्या। अब देखो इसको बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ के बैठ गया, अबे नीचे आना, कहाँ पेड़ पे चढ़ के बैठा हुआ है तू, अबे कहाँ इतनी ऊपर चढ़ के क्राउच करके बैठ गया है तू, कहाँ पे है तू, एक तो ये देख यार झाड़ियों के, अबे मरेगा तू, तू मेरे को मारेगा,
खुद तो भागे जा रहा है इधर से उधर, मेरे को तू मारेगा? अबे नूबड़े, फाइट करनी है नहीं तेरे को, इधर से उधर भाग रहा है, दो तीन सोड़ में भागने लग गया नूब कहीं के, दे ऊपर से भी गिर गया। अबे तेरे सोड़ से इतना नॉकबैक कैसे मिल रहा है भाई, इतना पीछे आके गिरा मैं, मतलब तुम नाट पे हूँ मैं तो, इसकी भी एच पी कम है लग रहा है। कोई नहीं, इसके पीछे हम भागते हैं, इसकी भी एच पी कम है, जब तक मैं भागूंगा तब तक मेरी एच पी तो फुल हो ही जाएगी। इसकी भी एच पी कम है, मेरी भी एच पी कम है, फिलहाल इसको छोड़ नहीं सकता है, इसको छोड़ दिया तो ये भाग जाएगा। अबे कहाँ तू वाटर वाली केव में जा रहा है, मेरे पे तो वाटर ब्रीथिंग का पोर्शन भी है, तेरे पे तो वो भी नहीं है, मर जाएगा तू वैसे ही। अबे क्या यार, फिर इधर टावर बनाने लग गया, इतना क्यों टावर बनाते यार, नहीं फाइट कर सकते तो इस एसएमपी में खेलते ही क्यों भाई, आके फाइट करना यार। बार बार तू टावर बना के ऊपर भाग जाता, जब देखो तब जब भी पिटता है टावर बना लेगा ऊपर के लिए, क्या करना क्या चाहता है, फाइट करनी है तेरे को कि नहीं करनी है भाई? अब ये नीचे तो आएगा नहीं, मेरे को खुद ही ऊपर जाना होगा यार, इतना फटती है ना इसकी हाइट से, वाटर बकेट भी जल्दी नहीं करता ये। अभी मेरे को पता है कि ये रेडी बैठा हुआ, कि मतलब जैसे ये देखो नीचे गिरा है, मेरे को पता था बेटा, इसलिए मैं वाटर में आके पहले ही गिर गया। उनसे तेज पंती नहीं, मेरे को पता था जब ब्लॉक हटाऊंगा तो तू कूदेगा इधर, बेटा हमसे तेज नहीं। अब ये भी नीचे आ गया, मेरे को कोई डैमेज मिला नहीं है ऊपर से, तुझे क्या लग रहा है मेरे को डैमेज मिल गया क्या इधर? मेरे को कोई डैमेज नहीं मिला इधर, मारने आ रहा है इतनी देर, जैसे मेरे को ऊपर से गिर के मेरे को डैमेज मिल गया। देखो अभी पहले मारता है फिर खुद भगता है, बहुत बेकार लौंडा है, फाइट भी नहीं करता सही से, पानी में घुसता रहता बस। अभी इसके फिर से बंदर वाली हरकत चालू, पता नहीं कितने ब्लॉक्स लेके घूमता है ये डर्ट वगैरह, छी भाई कहाँ तक जाएगा, ऊपर बार बार तो नीचे आएगा ही। चल मैं ही ऊपर आता हूँ अभी यार, ऊपर से इसको धक्का देके मारते हैं और इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं यार, बड़े परेशान कर रहे हैं फाइट कर। अभी मेरे को मारेगा तू भाई, तू मार ही नहीं सकता मेरे को, मार अगर तेरे को मेरे को मारना ही है ना तो फाइट करनी पड़ती है। अबे आयरन का आर्मर है तो इससे फाइट करना क्या जा रहा है तेरा, आयरन के आर्मर में फाइट करने से, और डायमंड की सोड तो पड़ी हुई है, इतना तो मेरे को दे दे तेरे को मार दूंगा मैं भाई, क्या यार। अबे तू कोई सा भी आर्मर ले, नेदरराइट का आर्मर लिया फिर भी तू मेरे से नहीं जीत पाएगा भाई, फाइट ही नहीं करता तू, इतना भगता रहता भगोड़ा कहीं का। फिलहाल तो अभी अपने आप को बचा, अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, संभल के रहिए, वाटर बकेट हाथ में रख ले, गिरा ना तू, इसलिए कह रहा था वाटर बकेट हाथ में ले, वाटर बकेट कर भी ली, शाबाश, अब फाइट करा के। अबे यार तू दो तीन शॉट में तो भगने लग जाता है, देख फिर भग गया, कैसा बंदा है यार फाइट करना, दो ही शॉट तो पड़ी है अभी तेरे को भाई, ये बंदा इतना बड़ा नूब है ना कि भाई इसको कुछ ज़ॉम्बी ओम्बी भी मार के चले जाएगा यार, ये ऐसा करता ही है बस, भगोड़ा है भगता रहेगा इधर से उधर। एक तो यार मेरे पे शील्ड नहीं, और ये शील्ड अप करके बैठ जाता, और ये ज़ॉम्बी आगे मारो इसी को मारो, अबे ज़ॉम्बी को लग गई भाई, ज़ॉम्बी और मैं फुटबॉल खेल रहे इसके साथ, ज़ॉम्बी उधर से मार रहा है मैं इधर से मार रहा हूँ, सही है भाई सही है, अभी शील्ड होती तो और ज़्यादा सही रहता मेरे लिए, इस पर शील्ड है तो शील्ड से कवर कर लेता अपने आप को, खाना खाएगा तू मेरे सामने बिला। अब मेरी एच पी लो, वो चार आठ पे हूँ मैं, ओबे यहीं पे आ गए चार आठ पे हूँ मैं, भाग ओबे, क्या डैमेज दे रहा है यहाँ से, चार आठ पे यार, एच पी नहीं है, बचूंगा कि नहीं बचूंगा, अब लगता है मेरे को भी टावर ही बनाना पड़ेगा, अब एच पी फुल करने के लिए टावर बनाना ही पड़ेगा यार, वरना इधर आसपास क्रीपर वगैरह और घूम रहे, अगर एक भी क्रीपर मेरे मुंह पे फूट गया ना मैं वहीं पे ख़त्म हूँ, मेरी एच पी अभी इतनी कम थी, फिलहाल अभी तो फुल हो गई, अभी मैं भाई ऊपर ही रहने वाला, अब तेरे को पता चलेगा टावर पे तू बैठा रहता है तो मेरे को कैसा लगता है। फिलहाल अभी हम यहाँ से
वाटर बकेट नहीं करके जाएंगे, अलग तरीके से उतरेंगे यहाँ से। सबसे पहले मेरे को तो एक बोट बनानी पड़ेगी, और एक पीयूष यहीं पे आ गया। आ जा बेटे, पीयूष आ रहा है, नहीं मार पाएगा तू मेरे को भाई। और इसको देखो, ये अपने आप को कवर करके बैठा हुआ। मैं जा रहा भाई यहाँ से, अब तेरे को पता चलेगा, तेरे को इतना टावर चढ़ा के मैं कूद गया ऊपर से। आ जा, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा ना तेरा, ऐसे तू मेरा भी टाइम वेस्ट करता था। आ जाना ऊपर ही बैठ। ये देखो ये नूब, मैं कह रहा था ना वाटर बकेट ऐसे करके आएगा। तो भाई इस बंदे से वाटर बकेट तक नहीं होती। अरे इसको अब पता चल रहा है कि मैं नीचे आ गया। भाई मैं कब का नीचे बैठा हूँ इधर। और ये देखो ये नीचे ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी मेरे को मार रहा है यार। अबे ड्राउन कहीं के नहीं मार पाएगा तू मेरे को। और ये पीयूष नीचे आ गया। भाई यार कितना भागेगा यार, कितना पीछा करूँ तेरे का। छी भाई अब फाइट करना है यार। देख एक जगह रुका, दो सोड खाएगा फिर भाग जाएगा। अबे अभी मेरी एचपी जा रही है। और तो यार ये ज़ॉम्बी और स्केलेटन वगैरह ने दिमाग ख़राब कर दिया। ये देख ज़ॉम्बी मेरे पीछे ही पड़ा है। कैसा बंदे, मेरी एचपी 5 हटकू छी। अबे भाई मेरे को निकलना होगा यहाँ से, मेरे को निकलना। 3 हट पे यार, जल्दी भाग यहाँ से आर्यन, जल्दी भाग। 3 हट पे अभी, जल्दी ऊपर चढ़। क्या सा बंदा, जल्दी भाग। 2 हट पे, 1 हट। प्लीज़ जल्दी निकल। फिर जैसे टावर में अपन करना पड़ेगा यार। 1 हट पे हूँ, 1 हट पे कैसे बचूँगा मैं। खत्म गया मैं। अभी पीछे पीछे रह गया, बच गया। ज़ॉम्बी क्यों, अब बहाना बना ले बेटा। भागा नहीं हूँ मैं, यहीं पे हूँ। आजा पीयूष यहाँ पे अभी आ तो चुका है, अभी मेरे को और ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि यार एचपी नहीं है यार। और ये कभी भी टावर अप करके आ सकता है ऊपर, अगर इसने मेरे को एक शॉट मारी और मैं नीचे गिरा। और भाई नीचे में वाटर बकेट भी नहीं कर सकता, नीचे हर जगह पेड़ ही पेड़ है। थोड़ा ऊपर तो आ चुका, और ऊपर आना पीयूष क्या हो गया। और ये ही विल किस लिए लगा रहा है भाई, दम तो ऊपर आना ही बिल किस लगा रहा है यार। मेरे को ही नीचे जाना पड़ेगा क्या। अबे आ जा, लिटरली वाटर डाला, अभी भी शॉट मार दी। क्या रहता ना, मैं लीव से वाटर बकेट होती ही नहीं भाई, इसलिए मैंने वाटर बकेट निकालने की भी कोशिश नहीं करी। अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा फिलहाल तो। 3 मिनट पे अभी, पता नहीं अब मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है केव में जाके फाइट करें। केव में घुस रहे अब, मतलब मैं तो घुस ही रहा हूँ तो पीयूष मेरे पीछे आ ही जाएगा। ले और भी क्या, अबे नहीं मार पाएगा। अबे ये वाटर बकेट हुई नहीं इधर, 2 हट पे। और तो यार ये क्रीपर को भी चैन नहीं है, ये भी आके मेरी बैंड बजा रहे हैं। भाई क्यों कितनी बड़ी है भाई, वो कहाँ तक जा रही है ये। फिलहाल नीचे चलते हैं, हमें क्या, हमें तो फाइट करने से मतलब है, हम कहीं पर भी फाइट करें। और यार मेरे को उधर लावा दिख रहा है और मेरे पे मस्त प्लान है। और यार इसको विच ने, किसी ने यार पोषण मार रखा है। फिलहाल अभी ये लावा के एकदम सामने ही था, इसको मेरे को अब एक शॉट मारना है और ये गया लावा में। अब बच के दिखा दो पीयूष, पीयूष वेंट अप इन फ्लेम्स। तो फिलहाल यार अभी इस केव से बाहर चलते हैं। और यार हमें पीयूष का सामान वगैरह तो नहीं मिला है, बट कोई नहीं यार। मैंने मेन चीज़ सोची थी कि यार इनके बीच में हमारा डर बैठा के रखना है यार। डर तो बैठ ही चुका होगा, अब क्या करेगा ये, मेरे से फाइट करेगा, दोबारा मारूंगा भाई इसको। फिलहाल मेरे को अभी यहाँ से कोड्स फॉलो करते करते निकलना पड़ेगा। थोड़ा बहुत दूर आ चुके हैं हम अपने बेस से, बट कोई नहीं यार। ये क्या हुआ, तुम मर गया नूबड़े हमेशा की तरह, और क्या ही हुआ, हमेशा की तरह तुम मर गया। फिलहाल अभी अपने बेस के कोऑर्डिनेट फॉलो करते करते चलते हैं अपने बेस पे। लावा से तो हमेशा क्यों मरता है, या तो तेरी लावा से दुश्मनी है या तो लावा के मामले में नूब है, बस इतनी सी बात हो सकती है, बाकी तू देख ले। मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, अगर वहाँ पे लावा नहीं होता ना फिर भी तुम मर जाता मेरे से। तू ज़्यादा देर का नहीं था, थोड़ा टाइम और बस तू गया था, तुझे खेलना ही नहीं है। चल कोई नहीं, अब बात में आई हो, वरना अब मेरे को तो दोबारा दिखा तो तू दोबारा गया बेटा। भाई मुझे तो लगा था कि कहीं ही रिवेंज की बात करेगा कि
बाद में के मैं बना लूंगा, तू बचने वाला, छुप जाओ जहाँ छुपने। पहले तो ऐसे बहुत बात करता था, अब पता नहीं क्या हो गया इसको। तो फिलहाल यार आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और तो यार मेरा आर्मर भी ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है, हाफ हेल्थ पे है, तो यार मेरे को भी संभल के रहना पड़ेगा, ज़्यादा फाइट नहीं लेनी होगी यार। अगर मैं ज़्यादा फाइट लिया तो मेरा डायमंड का आर्मर जहाँ गया वहाँ तो मैं, वैसे तो मैं दूसरा यूज़ कर लूँगा बट वहाँ पर तो मैं मर जाऊँगा ना यार। तो अगर आपको SSMP का पहला एपिसोड पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यार हमारे 2K सब्सक्राइबर होने वाले यार, जल्दी से करवाओ यार, 400 कम है बस, फटाफट से यार सब्सक्राइब कर दो यार। तो फिलहाल मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।